स्टूडेंट्स वर्मा सर निष्णात क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10 और 12 का ये कंबाइंड वीडियो है, जो लोग देखेंगे 10th के स्टूडेंट उनको फायदा होगा, 12th के स्टूडेंट उनको फायदा होगा, बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग उनको फायदा होगा, आईएएस की तैयारी करने वाले लोग उनको फायदा होगा, पूरे भारत वर्ष में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होगा। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। माय डियर व्यूअर्स, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सवेरे उठ करके व्यू किए होंगे, जब सूर्योदय होता है, खास करके कभी कीजिए या न कीजिए, जो हिंदू भाई लोग हैं वो सूर्य का दीदार छठ पूजा के अवसर पर दूसरी अर्घ के दिन जरूर करते हैं, किसी न किसी जलाशय में खड़ा होकर, नदी या तालाब या कहीं भी, वह प्रतीक्षा करते रहते हैं कब सूर्य देवता उदय हों, और उन्हें सबसे पहले दिखाई पड़ता है सूर्य का एक लाल गोल चक्का। वह सूर्य नहीं है डियर व्यूअर्स, वह सूर्य का आभासी प्रतिबिंब है। आपका एक्चुअल सूर्य क्षितिज के नीचे है, परंतु क्षितिज यानी होराइजन, यानी जो आप व्यू करते हैं, देखते हैं, तो सामने आकाश आपको धरती को चूमती हुई नजर आता है। आकाश चूमता हुआ लगता है, आकाश और धरती एक हो रहे हैं। आकाश लगता है धरती को चूम लेना चाहता है, सट जाना चाहता है, लेकिन अगर आप उसकी ओर बढ़ते हैं तो यह क्रम आगे भी जारी रहता है, पूरी दुनिया गोल गोल घूम लेते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे, परंतु धरती और आकाश के मिलन को आप नहीं देख सकते हैं। अद्भुत प्रेम का यह संयोग होता है। उस गोल चक्के को जो आप देखते हैं, 2 मिनट पहले वह दिखाई पड़ता है, 2 मिनट बाद सूर्य ऊपर उठता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है, इसलिए आसमान में लालिमा छाती है और सूर्य जी महाराज लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। परीक्षा में चित्र बनाना 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है और ये क्षितिज है, यह क्षितिज है, क्षितिज होराइज़न, और सूर्य जी महाराज छिपे हुए लाल चुनर ओढ़े, इनसे 7 रंगों की प्रकाश किरणें निकल निकल कर वातावरण में बिखर रही हैं, लेकिन आपको अभी इनका दर्शन होना मुश्किल है। यह है वास्तविक सूर्य, वास्तविक सूर्य, लेकिन हुआ क्या? और आप तो जानते ही हैं, आप पढ़े ही हैं, यह नॉर्थ होता है और ये क्या होता है? ईस्ट होता है, यानी आपके सूर्य उगना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आसमान की ओर आ रहे हैं। हुआ क्या कि इससे ढेर सारी प्रकाश किरणें निकली, 7 रंगों की, 7 रंगों की प्रकाश किरणें निकली। आप चलिए ना किन्हीं 2 रंग को लेकर चलिए, कोई 2 प्रकाश किरण को लेकर चलिए, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण का जरूरत है। ये माध्यम में जो गई तो अपवर्तित हुई, और ये जो यहां से प्रकाश किरणें जा रहे हैं ये अपवर्तित हुई, अपवर्तित हुई, और जो भी ऑब्जर्वर है यहां खड़ा, ये जो ऑब्जर्वर है इसके आंख पर प्रकाश किरण आकर पड़ती, और ऑब्जर्वर को आभास होता है कि प्रकाश किरणें यहां से आ रही, तो सूर्य का एक
बड़ा प्रतिबिंब इसके आंख को दिखाई पड़ता है, ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक हो गया। और प्रेक्षक ने क्या देखा, सूर्य का एक आभासी प्रतिबिंब, ये देखा लाल कलर का, ये प्रतिबिंब आभासी है। और आप तो जानते हैं आभासी कोई भी चीज ब्रोकन लाइन से दिखाई पड़ती है, यानी आभासी सूर्योदय हो गया, आभासी सूर्योदय हो गया, आभासी सूर्य दिखाई पड़ने लगा। और इस सूर्य नीचे है, ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और जब यहाँ एक्चुअल सूर्य आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट का समय लगेगा। ये याद रखिएगा, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले, कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच 2 मिनट का काल। और फिर यही चित्र अगर इधर बनाइएगा तो सूर्य ऑलरेडी अस्ताचल में जा चुका है, छिप चुका है, होराइजन के भीतर जा चुका है, फिर भी उसका इमेज दिखाई पड़ते रहता है। तो यह चित्र बनाना 10th क्लास के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडल की विभिन्न परतों से प्रकाश के अपवर्तन के कारण आभासी सूर्योदय और सूर्यास्त क्या है। आभासी सूर्योदय एंड सूर्यास्त, जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं, सनराइज एंड सनसेट एपरेंट, इसका क्या कारण है, सनराइज और सनसेट एपरेंट, सनराइज और एपरेंट सनसेट का क्या कारण है। आंसर, वायुमंडल की विभिन्न परतों का प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व, एक चीज मैं बार बार कहता हूं, ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी में काफी अंतर है। ऑप्टिकल डेंसिटी उसे कहते हैं जिसके कारण डेंसिटी बढ़ी तो वेग घट गया प्रकाश का, और डेंसिटी घटी तो वेग बढ़ गया। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों का प्रकाशिक घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण सूर्य कम वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखलाई पड़ने लगता है, दिखलाई पड़ने लगता, और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय सूर्य के डूब जाने पर भी 2 मिनट तक आभासी रूप में, आभासी रूप में दिखता रहता है, दिखता रहता है। ये क्षण आभासी सूर्योदय और सूर्यास्त के क्षण है, सूर्यास्त के क्षण है। इनकी कुल अवधि, खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये याद रखेंगे कि टोटल अवधि 2+2=4 मिनट होती है, 4 मिनट होती है। पैराग्राफ चेंज, इस समय सूर्य और क्षितिज की
लाल दिखने का कारण क्या है? तो लाल दिखने का कारण यह है कि सूर्य से विकरित, सूर्य से रेडिएटेड विकरित सातों रंगों में से लाल रंग का विचलन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम और वेग सबसे अधिक होता है। पूर्ण विराम और खेल खत्म। क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम, वेग सबसे अधिक हुआ और विचलन सबसे कम हुआ, अतः वह वातावरण में निर्गत हो जाता है। अन्य किरणें अभी इंतजार ही करते रहती है, जो ज्यादा वेग का वो पहले पहुंच गया, जो कम वेग का वो बाद में पहुंचा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन।